हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लाउज़ की कटिंग। इस माप के अनुसार बनाएंगे इस ब्लाउज़ को, ठीक है। तो चौड़ाई रख लिया है 10 इंच, 32 साइज के लिए 10 इंच ही चौड़ाई रखना है। और हाथ से ऐसे प्रेस लगा लेना है अच्छे से, ताकि सलवटें ना पड़े। और पहले पीछे पल्ला बनाएंगे जो 12 इंच का है, बन के तैयार होगा 12 इंच, लेकिन हम काटेंगे 13 इंच का। एक इंच एक्स्ट्रा रहता है फोल्डिंग के लिए। तो ऐसे लाइन को सीधा कर लेना है। यहाँ गले का चौड़ाई लेना है 2.25 इंच। और गले की लंबाई रहेगा 8 इंच। इधर से 2.5 इंच। और इसको मिला देना है दोनों को ऐसे। अब यहाँ पे गोलाई कर देना है इस तरह से। अब शोल्डर लेंगे 5 इंच का, और मोहड़ा लाइन यानी कि आर्म होल रहेगा 5.25। इधर से भी 5.25 ले लेना है। और ऐसे सीधा खींचना है इस लाइन को यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे। और गोलाई करने के लिए यहाँ से 1.5 इंच लेना है, एक चिन्ह लगाना है और इसको गोलाई कर देना है। तो पीछे पल्ला कंप्लीट हो गया जो 13 इंच का है। और सामने पल्ला को बनाएंगे 13.5 इंच का, क्योंकि 1/2 इंच बड़ा रहता है सामने पल्ला पीछे पल्ला से। इस लाइन को सीधा कर लेना है पहले। सामने गला रहेगा 5.5 इंच ऐसे, और आर्म होल रहेगा 5.25 इंच। इधर से भी 5.25। और इसको सीधा कर लेना है ऐसे। पीछे पल्ला में 1.5 इंच लिए थे, तो सामने पल्ला में 1 इंच रखेंगे ऐसे। और यहाँ से ऐसे गोलाई कर देना है, यहाँ पर भी गोलाई कर देंगे। अब 10.5 इंच पे एक चिन्ह लगाना है ऐसे दोनों साइड। अब इस लाइन को सीधा कर लेना है ऐसे। यहाँ से 5 इंच पे एक निशान लगाना कटोरी के लिए ऐसे। यहाँ से 1 इंच ऊपर, और गोलाई से 2.25 इंच। और इन तीनों निशानों को मिला देना है आपस में ऐसे टिक टिक करके यहाँ तक। अब यहाँ से 1/2 इंच पे इसको ऐसे तिरछा खींच देना है, उसमें मिला देना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया बनके। अब इसको कटिंग करेंगे। तो यहाँ से काटना है ऐसे, जैसे जैसे चिन्ह लगाए हैं वैसे ही काटना है। पीछे और सामने का गला निकल गया। अब यहाँ से काट लेंगे। ऐसे यहाँ तक ये निकल जाएगा, यहाँ से तिरछी पट्टी। कटोरी को भी काटना है ऐसे। पीछे पल्ला का निकाल लेंगे यहाँ से ऐसे गोलाई करते हुए। पीछे पल्ला से सामने पल्ला का भी ऐसे काट देना है यहाँ तक। फिर इसको बीच से शोल्डर को भी काट देना है ऐसे। तो ये ऐसे काट के तैयार कर लेना है। ये पीछे पल्ला का है, ये साइड पट्टी है, और ये तिरछी पट्टी जो योग पट्टी बोलते हैं इसको। ये ऐसे रहेगा, और ये कटोरी है, इसको अलग से काटेंगे बड़ा करके। अगर इसको लगाएंगे तो छोटा हो जाता है, इसलिए इसको बड़ा करके काटना पड़ता है दूसरे कपड़े से। तो यहाँ से ऐसे निशान लगा देना है, ऐसे चारों साइड निशान लगा देना है। यहाँ से 2.25 इंच पे एक चिन्ह लगाना,
और इधर से आधा इंच में, यहाँ से भी आधा इंच और यहाँ से भी आधा इंच। अब इन दोनों निशानों को ऐसे सीधा मिलाना है और इसको भी ऐसे गोलाई करके यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। अब इसको देखना है कितना हो रहा है, तो 8 इंच हो रहा है, उसका आधा लेंगे 4 इंच, 4 इंच से फिर नीचे 1.5 इंच। इसके बाद इसको भी ऐसे मिला देना है, ऐसे ये बन के तैयार हो गया। इसको भी काट देंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ऐसे गोलाई करते हुए वहाँ तक काट देना है ऐसे। ये कटोरी बन गया, इसको लगाएंगे तो बराबर आएगा। अब बाहीं निकालना है, उसके लिए कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे, इसके बाद एक बार और, तो 4 फोल्ड हो जाएगा। बाहीं के लिए हमेशा 4 फोल्ड किया जाता है। अब एक साइड चौड़ाई है और एक साइड लंबाई, तो बाहीं का लंबाई जैसे 3 है तो 1 इंच बढ़ा के काटेंगे। 4 इंच पे निशान लगाना है, इधर से भी 4 इंच पे एक निशान लगाना है। इस लाइन को सीधा कर देना है ऐसे। अब यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इसको ऐसे ऐसे शेप दे देना है। इसको कटिंग कर देना है यहाँ से ऐसे यहाँ तक, इसको काट देना है बीच से ऐसे। बाहीं का लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा छोटा है, तो कम से कम आधा इंच जोड़ लेंगे उधर से, तो बराबर आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।